आज उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मुंबई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया कंट्रोल चाइनाज बिगेस्ट वीकनेस, इंडिया बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। तो गौरव भी भाई की वीडियो है, गौरव ठाकुर की, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो बनाते हैं, नॉलेजेबल वीडियो होती है उनकी, काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो बड़ी रिकमेंडेड वीडियो है, देखते हैं वीडियो और अपना अभियान पढ़ते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉल करते हैं 321 वीडियो स्टार। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फ्रांस के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि इन सब नेशंस के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को अगर आप मैप में प्लॉट करोगे तो आपको एक वियर्ड सा पैटर्न दिखाई देगा। अकेले 2021 में ही बे ऑफ बंगाल रीजन में इंडिया ने जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया इन क्वाड एलाइज के साथ दो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए, जिसमें से एक में तो फ्रांस भी शामिल था। एंड देन इसके बाद ये है सेकंड मैप। इसमें आप साफ ये देख सकते हो कि यूएसए ने अकेले भी अपनी सीमा के बाहर कई जगहों पर मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट यहां पर इस रीजन में है, इन जापान एंड साउथ कोरिया। जापान में उनके 120 बेसेस है विद 53,713 ट्रूप्स इन इट, और साउथ कोरिया में उनके 73 बेसेस है विद 26,414 ट्रूप्स इन इट। इसके बाद अब आते हैं थर्ड मैप पर, जो है ये मैप बेसिकली ना न्यूक्लियर सबमरीन्स के डिप्लॉयमेंट को बताता है, जो ऑस्ट्रेलिया अपने यूके और यूएस इन AUKUS एलाइज के साथ मिलकर इस दशक के अंत तक करने वाला है। सो नाउ, इन तीनों मैप्स का सिग्निफिकेंस आखिर क्या है? वेल, मे बी आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों मैप्स रैंडम है और हम यूं ही में कोई पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिलीव मी, ये रैंडम इवेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू क्लोजली लुक, ये सभी एक्टिविटीज जहां जहां पर भी हो रहे हैं या होने वाले हैं, अगर उन्हें एक ऐसे ट्राइंगल के रूप में हम प्लॉट करें तो उस ट्राइंगल के लगभग बीच में तीन देश पड़ते हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया। और अगर इसको भी और नैरो डाउन करें तो टू बी मोर प्रिसाइज, ये नैरो समुद्री रास्ता पड़ता है कॉल्ड द मलक्का स्ट्रेट, जो कि इन तीनों देशों के बीच से गुजरता है और जहां से अकेले पूरी दुनिया का 60% ट्रेड होता है। सो टेक्निकली अगर देखा जाए फ्रेंड्स, कोई भी देश हो, यहां पर हमारा देश इंडिया भी अपने सभी मेजर एलाइज के साथ मिलकर इस मलक्का स्ट्रेट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। एंड द रीजन इज चाइना। China is hell-bent on single-handedly dominating the Malacca Strait, क्योंकि this would mean China single-handedly world trade को dominate कर पाएगा, और इसके लिए China के पास एक master strategy है। देखो, हर sea-facing country की समुद्री सीमाएं 1982 United Nations Convention on the Law of Sea के तहत ocean में करीब 200 nautical miles या simply 370.4 kilometers तक ही मानी जाती है। This basically means उस particular country का इस 200 nautical miles के radius पर absolute control होता है। कौन उसमें फिशिंग करेगा, कौन उसमें ऑयल माइनिंग करेगा, कोई लीगली अगर अंदर आया तो उससे कितना कमीशन लेना है, और कोई इलीगली अंदर आया तो उस पर क्या एक्शन लेना है, ये सब बेसिकली वो कंट्री ही कंट्रोल करती है। और इसीलिए इस रीजन को उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ कहते हैं। अब ऐसे में आपको शायद पता नहीं होगा, पर चाइना वो इकलौता ऐसा देश है जिसके बॉर्डर्स 14 देशों से लगते हैं, मगर जिसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स 18 देशों के साथ चल रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, उन देशों के साथ भी जो एक देश छोड़ के पड़ते हैं। ये देखो, ये है वो लिस्ट ऑफ कंट्रीज जिनके चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उनके नाम के बगल में फिर ये डिस्प्यूट्स कब से चल रहे हैं और साथ ही उनके रीजंस क्या थे, ये सब प्रॉपरली एक टैबुलर फॉर्म में दिया गया। अब इस लिस्ट में क्या आपको वो दो देशों के नाम दिखाई दिए जिसका हाल ही में हमने कुछ समय पहले ही जिक्र किया था? यस, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये वही देश है जो अलोंग विद मलेशिया मलक्का स्ट्रेट को बॉर्डर करते हैं। यानी कि अगर चाइना समहाउ सिंगापुर और इंडोनेशिया पर कब्जा कर लेता है तो UN के लॉ ऑफ द सी के तहत मलक्का स्ट्रेट उसके EEZ में आ जाएगा। सो अब आपको एटलीस्ट एक मेजर रीजन पता चल गया कि क्यों इस रीजन में इतना हैवी मिलिटराइजेशन जरूरी है। एक्सेप्ट एक चीज अभी भी सेंस नहीं बना रही। इंडिया, जिसका बाय द वे ज्यादातर ट्रेड जब उसके वेस्ट में पड़ने वाले देशों के साथ होता है, वो मलक्का स्ट्रेट पर तो काइंड ऑफ डिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो आखिर दो ऐसे देशों के लिए चाइना से क्यों उलझ रहा है जिनके बॉर्डर तक इंडिया से नहीं लगते? सो टू आंसर दैट, बस इतना समझ लो कि इनके बीच से गुजरने वाला मलक्का स्ट्रेट बाकी दो देशों से ज्यादा चाइना की एक मेजर जुगुलर वेन है। इसका मतलब बेसिकली चाइना की वो दुखती नस जो इंडिया के हाथ में हो सकती है। Now, this is because China दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है,
जो सालाना इंडिया से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करता है और उसका ट्रेड करता है। आज यहां पर इंडिया को हर दिन सिर्फ 4.9 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। चाइना एक दिन में इंडिया से तीन गुना ज्यादा यानी करीब 15.4 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रोज कंज्यूम करता है। ऐसे में क्योंकि चाइना का 80% ऑयल मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज से आता है, ये सारा ऑयल एग्जैक्टली इसी नैरो मलाका स्ट्रेट से होते हुए आता है। एंड सो दिस बिकम्स अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू कंट्रोल चाइना। जैसे चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए हमारे चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक करने की कोशिश करता है, उसी तरह अब हम भी चाइना की जुगुलर वेन द मलाका स्ट्रेट को चोक कर सकते हैं। और ये दूसरा रीजन है कि क्यों इस रीजन में इफ नॉट ऑल एटलीस्ट इंडिया की डोमिनेंस जरूरी है। इनफैक्ट इंडिया ने ऑलरेडी इस पर काम भी शुरू कर दिया, वो भी सोलो। देखो ये है इंडियन नेवी के वॉरशिप्स की डिप्लॉयमेंट इन द इंडियन ओशन। ये नेवल डिप्लॉयमेंट पैटर्न इंडिया ने मिड 2017 से अडॉप्ट किया हुआ है टू एक्सप्लिसिटली काउंटर चाइना। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चार रीजंस हैं जो प्रूफ करते हैं कि इंडिया ने ये डिसीजन मेजरली चाइना के लिए ही लिया है। नंबर वन, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अनुसार ये एक मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट है जिसके अंतर्गत इंडिया के 15 नेवल वॉरशिप्स इंडियन ओशन के 7 अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को गार्ड करते हैं, वो भी 24/7। नंबर टू, ये पोजीशंस इंडिया की समुद्री सीमा यानी उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर पड़ते हैं जो वॉरशिप्स जनरली अवॉइड करते हैं ताकि कोई दूसरी कंट्री उन्हें अपने ट्रेड वेसल्स के अगेंस्ट थ्रेट ना समझे। नंबर थ्री, ये 7 एरियाज में से 4 अकेले बे ऑफ बंगाल के पास पड़ते हैं गार्डिंग द मलाका स्ट्रेट जहां इंडिया अपने एलाइज के साथ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस करती रहती है। एंड लास्टली, इन सभी नेवल डिप्लॉयमेंट्स के अलावा भारत ने समुद्र के ऊपर से निगरानी रखने के लिए लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट्स और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली बोइंग द्वारा बनाए गए पोसाइडॉन 8i प्लेन्स डिप्लॉय कर रखे हैं जो ऑलमोस्ट हर रोज तमिलनाडु के अराकोनम में स्थित इंडियन नेवल एयर स्टेशन INS रजाली से उड़ते हैं और साउथ चाइना सी तक पेट्रोलिंग करके आते हैं। ऊपर से भारत ने साल 1991 से चली आ रही अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी, जो बाय द वे इन एशियन कंट्रीज के साथ मोस्टली ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, उसे भी अब मॉडिफाई कर दिया है। साल 2014 से अब इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी बुलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत भारत और एशियन कंट्रीज अब सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं बल्कि सिक्योरिटी एंगल से भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंस्टॉलेशन ऑफ कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम्स अक्रॉस द एंटायर इंडियन ओशन। दरअसल कारगिल वॉर के बाद जब उस वॉर के रेपरकशंस को असेस करने के लिए एक कारगिल रिव्यू कमेटी बिठाई गई थी तो उनकी रिपोर्ट में उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को रेकमेंड किया था कि वो इंडियन ओशन में अपना सर्वेलेंस बढ़ाए और समुद्र के अंदर और बाहर हर जगह अपनी नजरें रखे क्योंकि हर बार खतरा नॉर्थ से नहीं आएगा। बट देन इसे तब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीरियसली नहीं लिया और ये मुद्दा इवेंचुअली एक कोल्ड बॉक्स में चला गया अंटिल 26 नवंबर 2008 को करीब 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए और करीब 150 से भी ज्यादा लोगों की जाने ले ली। इस अटैक के बाद तब की इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी गलती समझी और KRC के रिकमेंडेशन को प्रायोरिटी देते हुए इंडिया के समुद्री सीमाओं पर करीब 46 जगह कोस्टल सर्वेलेंस रेडार CSR सिस्टम्स लगाए। इनमें से टोटल 36 इंडिया के मेनलैंड कोस्टल पार्ट पर लगाए गए और फिर 6 लगाए गए लक्षद्वीप पर और 4 लगाए गए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। इन CSR से हमें 2 फायदे मिले। नंबर 1, हम अपनी समुद्री सीमाओं की ऑलमोस्ट 24/7 ट्रैकिंग कर सकते हैं और नंबर 2, इनकी एडवांस कैपेबिलिटीज के कारण हम 1500 से ज्यादा ओशन सरफेस पर पड़े ऑब्जेक्ट्स को भी एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि इलीगल फिशिंग वेसल्स हो या दुश्मन के सबमरीन्स, अब हम बेसिकली सब पर नजर रख सकते हैं। एक्सेप्ट देयर इज जस्ट अ प्रॉब्लम, ये 46 CSR सिस्टम्स सिर्फ हमारे मैरिटाइम बाउंड्रीज यानी कि समुद्री सीमाओं के अंदर घुसने वालों को ही ट्रैक कर सकते हैं, पूरे इंडियन ओशन को नहीं। और ये हमें चाइना के ऊपर कोई अपर हैंड नहीं दे सकते इन केस अगर चाइना हम पर अटैक करता है तो। जबकि इंडिया टुडे के अनुसार चाइना ने अपने फिशिंग वेसल्स जिन्हें अल्टरनेटिवली वो सर्वेलेंस के लिए भी यूज करते हैं उनकी संख्या इंडियन ओशन में हर साल बढ़ा ही है। जहां पर 2016 में पर ईयर सिर्फ 300 फिशिंग वेसल्स इंडियन ओशन में डिटेक्ट होते थे, अब वो बढ़कर 450 वेसल्स तक पहुंच चुके हैं। और बस इसी इशू को सॉल्व करने के लिए साल 2015 से ही हमारे पिछले डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पारिकर जी ने अपने कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम का फेज 2 लॉन्च किया। इस बार उन्होंने अपने सर्वेलेंस का दायरा बढ़ाया
और फोकस किया मेनली स्ट्रेट ऑफ मलाका पर। उन्होंने बेसिकली मॉरिशियस, श्रीलंका, सेचिलीज, मालदीव्स, मैडागास्कर, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सभी देशों में अपने कोस्टल सर्विलेंस रेडार सिस्टम्स इंस्टॉल किए और उनसे ऑलमोस्ट पूरे इंडियन ओशन पर अपना कवरेज हासिल किया, जहां से बाय द वे अकॉर्डिंग टू इंडिया न्यूज एनुअली 66% ऑफ ग्लोबल ऑयल, 33% ऑफ बल्क कार्गो और 50% ऑफ कंटेनर शिपमेंट्स ट्रांजिट करते हैं, और वो भी 1,00,000 से भी ज्यादा शिप्स पर सवार होकर। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये दुनिया का 75% ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड है और अराउंड 50% ग्लोबल ऑयल ट्रेड को सिग्निफाई करता है, और वो भी डेली। नाउ एज यू कैन इमेजिन, इतने शिप्स पर डेली नजर रखना, वो भी अकेले, ये पॉसिबल नहीं है, इवन विद हाईटेक सर्विलेंस सिस्टम्स। और इसीलिए ही इंडिया बाकी देशों के साथ भी मिलिट्री अलायंसेस कर रहा है, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया था। बेसिकली आप ही ऑलरेडी जानते हो कि चाइना कई सालों से अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीमेक, और इंडियन ओशन में मौजूद अपने कई सारे ओवरसीज पोर्ट्स की मदद से इंडिया के अराउंड अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर काम कर रहा है। बट दिस टाइम इंडिया ने भी चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए कुछ प्लान्स इनैक्ट किए। नंबर वन, इंडिया ने इंडियन ओशन के 4 क्रूशियल आइलैंड देश मॉरिशियस, मालदीव्स, सेचिलीज और श्रीलंका के साथ स्ट्रेटेजिक डील साइन किए। इन डील्स के अंतर्गत इन चारों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो इंडियन ओशन में सभी मूवमेंट्स को ट्रैक करेंगे और उसके लिए नए रेडार और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बनाएंगे और साथ ही उनसे मिली इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर करेंगे। इसके साथ P-8 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट के जरिए वो पूरे इंडियन ओशन पर ऊपर से नजर भी रखेंगे। नंबर टू, इन स्ट्रेटेजिक डील्स के बाद अभी हाल ही में इंडिया को एक बड़ी सक्सेस मिली इंडोनेशिया के साथ, जब मई 2018 में इंडोनेशिया ने मलाका स्ट्रेट के पास मौजूद अपने सबांग पोर्ट का इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्सेस इंडिया को दे दिया है। नंबर थ्री, सीमेक के काउंटर में इंडिया ने म्यांमार से बात करके उसके साथ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक तरफ कोलकाता म्यांमार के सितवे पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होने वाला है बाय सीवेज, जो बाय द वे मई 2023 से ऑपरेशनल भी हो चुका है, और दूसरी तरफ सितवे पोर्ट को पर मिजोरम से बाय रोड भी कनेक्ट किया जा रहा है एज एन अल्टरनेट रोड रूट। नंबर फोर, इंडिया ने इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस की इंपॉर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज करते हुए 2015 में उसके साथ एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन पैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि चाइनीज डोमिनेंस सिर्फ एक ही चीज से कम हो सकती है, और वो है साउथ ईस्ट एशियन देशों का डेवलपमेंट, बिकॉज कम डेवलपमेंट की वजह से ही वो चाइना के डेट ट्रैप में फंसते हैं। सो इंडिया और यूएस मिलकर इन देशों की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। एंड लास्टली नंबर 5, क्वाड। अब इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर यूएस के साथ इंडिविजुअल डील्स तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मल्टी कंट्रीज एसोसिएशन भी कर रहा है, जैसे कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड। अब जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, यहां पर इंडिया 3 देश यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन के मैरिटाइम सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन्होंने करीब $50 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान किया, ताकि चाइना की नेवल और फिशिंग एक्टिविटीज और ज्यादा एक्यूरेटली ट्रैक किया जा सके। पर यू सी, चाइना इस रीजन में इतना एग्रेशन क्यों दिखा पाता है? प्रोबेबली बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये पता है कि इस रीजन में बाकी फॉरेन फोर्सेस लाइक यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया एंड इवन फ्रांस एंड जापान, ये सभी मलाका स्ट्रेट से काफी दूर बसते हैं, और एक जो इंडिया है उसने अगर कोई भी मिस एडवेंचर किया तो उसे 2-फ्रंट वॉर जैसा एक वॉर लड़ना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान भी चाइना के साथ है। बट यू नो व्हाट, इंडिया ने अब इसके ऊपर भी एक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर कपिल पाटिल ने ये हिंट किया है कि बहुत ही जल्द इंडियन गवर्नमेंट चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने वाला POK रीजन को पाकिस्तान से रिकैप्चर करने वाली है। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल, उसके क्या क्या रास्ते हैं, और अगर किया तो उसके क्या क्या रेपरकशंस होंगे, ये सब हमने अपने इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आई सजेस्ट यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। आपको डिटेल में पता चलेगा कि गवर्नमेंट का क्या दावा है कि हम 2024 तक POK को इंडिया का हिस्सा बना लेंगे। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव जी ठाकुर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, हमारी इंस्टाग्राम कम्युनिटी ग्रो हो रही है, ऑलमोस्ट 2 लाख फॉलोवर्स रीच हो चुके हैं। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ओवर देयर, then follow me on Instagram. See you next time. Stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind. अगर ये वीडियो खत्म हो गया, और भाई साहब इंडिया की तो बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग है, तो मेन प्लानिंग यही है कि जो इंडिया है, चाइना है, उसको किसी ना किसी तरीके रोकना है, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो फिशिंग है, जो भी है, उसके सारा कुछ इधर से रुक जाए। अगर वो इधर से रुक जाए ना, जीरो जीरो, क्योंकि देख ला
सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग चीजों की वो और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना की है बिल्कुल दुनिया में सबसे ज्यादा, और इसीलिए वो एनर्जी जो है वो ज्यादा यूज करता है। तो चार गुना कितने, तीन चार गुना, तीन गुना मेरे ख्याल में ज्यादा थे, तीन से चार तीन से चार गुना जो है वो ज्यादा जो इस्तेमाल करता है। तो फर्क तो है भाई, लेकिन ये भी है कि जहाँ अमेरिका ने इतनी जगह पर अपने बेसिस बना रखे हैं तो ज्यादातर देखा जाए तो इस खित्ते में ही है। मुझे जो लगता है ना इंडोनेशिया जापान इस्तेमाल इंडिया होगा, फायदा मेन लेकिन इसे इंडिया को भी फायदा होगा, वक्तन तो इंडिया को भी होगा। अच्छा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं, आप मुझे ये बताए क्या सी पैक की, लेकिन मेन पैदा तो अमेरिका का ही है ना। लेकिन एक मैं बात बताऊं, सी पैक की जगह जो इंडिया हमेशा से कहता रहता है, आज भी कहते हैं कि वो हमारी जगह पाकिस्तानी कब्जाई हुई है, जिसमें आजाद कश्मीर मुकम्मल मिला के वो कब्जाई हुई है, क्या वो आज तक इंडिया ले नहीं सका? क्या आने वाले वक्त में आप तो उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी मतलब वैसे स्ट्रॉन्ग हराल से हो गए, कोशिश क्या वो ले लेंगे, ट्राई को पूरी करेंगे, चाइना को हटा के ले लेंगे या चाइना से हट भी जाए क्या पाकिस्तान को ले लेंगे? उसका एक रीजन बताता हूँ, वैसे तो लड़के तो भाई साहब नहीं ले सकते, हाँ इसमें दूसरे कंट्री इन्वॉल्व हो जाए तो फिर ले सकते हैं, ऐसी बात क्योंकि वो अमेरिका आर्मी उतारेंगे, अमेरिका जिस तरफ झुकेगा अपनी आर्मी उतारेंगे, क्योंकि उन्होंने सब जो यूरोपियन कंट्री हो गया अमेरिका हो गया वो हर हाल में चाइना को रोकना चाहता है, ऐसी बात। अगर इस जो समुद्री रास्ता है इधर से ये उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके पास कौन सा रास्ता बच जाएगा? तो अगर वो कश्मीर जो है वो भी वो इंडिया ले लेता है तो फिर इंडिया और चाइना और पाकिस्तान का रास्ता मिलेगी नहीं, खत्म हो गया, फिर वो चाइना वैसे ही खत्म होगा, वो घर में घुस के वो मर जाएगा, दूसरी तरफ से उसको आना महंगा पड़ जाएगा, वो ज्यादा महंगा पड़ना, जिस तरह इंडिया को ईरान की तरफ जाके अफगानिस्तान जाना पड़ता है उसको और ज्यादा चक्कर। आप महसूस कर सकते हैं इकॉनमी को ताकत को देख के आने वाले वक्त में 2050 की गणना कर रहे हैं, बोला है लड़के नहीं ले सकते, लड़ाई लड़ेंगे तो भाई सामने चाइना सी पैक क्यों बना रहा है सिर्फ इसी नजर को मद्देनजर रखते हुए, कल को अगर ये वाला जो मलाका वाला है ना ये बंद हो जाता भाई उसके मुताबिक और ये सीपैक बनाने से ये यूरोप की रास्ता भी निकलेगा, ये भी याद है। और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा चाइना से पूरी दुनिया के साथ ना लड़ना पड़े, वो सीपैक वाला जो एरिया कभी भी नहीं कब्जा करेगा। पाकिस्तान पे मेर मान क्यों हुआ इतना पैसा क्यों लगा दिया, सिर्फ इसीलिए लगा दिया इनके पास तो है, इनके पास तो है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने ज्यादती की है वो इसलिए कि ये सीपैक एक ऐसा जो है ना प्रोजेक्ट है चाइना के लिए कि ये पाकिस्तान फ्री में बनवा सकता था बिल्कुल, अगर तो बनता बात करने वाला होता तो टेबल के नीचे से पैसे लेने वालों ने ये किया कि भाई चाइना का सीमा नहीं बना, दोनों तरफ से लॉस किया, दोनों तरफ से ज्यादा फायदा इसको चाइना का। घबरो ना, जिस तरह सोच रहे इंशाल्लाह इसी तरह ही होगा। अच्छा ये मुआवजे खत्म होंगे, बातचीत हो चुकी है, ये जो खाने वाले भाग के पापा शापा का नाम लेके जो भी है आप मेरा भाई होगा इंशाल्लाह ये सीपैक पाकिस्तान और चाइना मिलके कमाए खाएंगे, चाइना हमें हमारे आने वाली नस्लें चाइना शाद होंगी, तब पैसा इधर ज्यादा और ज्यादा लगाएगा जब थोड़ा सा इधर समुद्री रास्ते से इंडिया ने थोड़ा सा शिकंजा कसा ना, ऐसी बात, फिर वो उसकी जलेगी तो फिर वो आएगा। हाँ अभी इसको इधर से निजाम चल रहा है, उसने कहा अभी हमारा निजाम चलता हमें क्या जरूरत है इधर इतना पैसा लगा, इसलिए नहीं लगा। मुझे ना अपनी अपनी सोच होती है, सारी दुनिया के हालात को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह एशिया के अंदर अमेरिका या इन्वॉल्व है ना यूरोपी, मुझे ये लग रहा है दो कंट्री ऐसी हैं जिनको नुकसान आने वाले वक्तों में हो सकता है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, इंडिया और अमेरिका, याद रख लेना इन दोनों कंट्रियों को नुकसान होगा है इंडिया और आने वाले वक्त में, इंडिया और इकोनॉमी वाइज याद रख रहे हैं अमेरिका का तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है, मैं तुझे बता रहा हूँ दूर भी नहीं आना जाओ 2024 में आपको नजर आएगा, 2024 में तो आपको नजर आएगा ना, इसमें इंडिया का झुकाव जो है ना ज्यादा इस दफा मोदी जी की जो गई है उधर अमेरिका की तरफ ही है झुकाव हुआ, तो इससे रशिया भी दूर होगा आपको नजर आ जाएगा, सारा कुछ पढ़ना ही है।
क्योंकि तो अमेरिका में कौन सी कमजोर ताकत है, रशिया हट भी जाता है तो फिर भी इनका तो सिलसिला चलता ही रहेगा। अमेरिका की तरफ भी बैठा हुआ है रशिया, साथ में कमजोर तो कर दिया गया है। नहीं अमेरिका, अमेरिका भी इतना दूर भी नहीं बैठा हुआ। वो देखो जापान के अंदर 120 स्पेसेस बनाई हुई है और दूसरा जो है वो कोरिया पूरा ही घेरा हुआ है, लेकिन बनाई है लेकिन वो भाई कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी भाई साहब समझ रहे हैं वो अमेरिका अमेरिका वहां देखो पूरा भी कर सकता है तो ये भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन वक्त चेंज होने से पता क्या है, इस खित्ते का नुकसान होने वाला जो एशिया खित्ता है ना, असल में सारे यही मैं बात कर रहा हूं, इस खित्ते को दबाने की कोशिश। इस में सबसे ज्यादा बदमाश कौन है? चाइना। हाँ वो तो है, वो जिस तरह 14 कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है और 18 कंट्री के साथ विवाद चल रहा है, बताओ चाइना को दूर दूर तक कोई नुकसान नहीं होने वाला, दूर दूर तक होगा भाई, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश कहता है रशिया का एरिया उसको कहता है मेरा है, फिलिपीन के साथ चल रहा है, ताइवान के साथ चल रहा है, जापान के साथ चल रहा है, कंट्री के साथ, ताइवान के साथ भी बात ही कर रहे हैं, ऐसी कंट्री के साथ जंग बंदी तो नहीं हो रही, जंग तो नहीं हो रही मेरा भाई किसी के साथ, हर किसी जो ना बदमाशी वो चुप भी बैठ भी सकते हैं सारे सबको। अच्छा फर्क पाकिस्तान और चाइना की मुंह मारी हो जाती है तो कल को चाइना ये भी क्लेम करेगा जो है कश्मीर जी है ये मेरा तो नहीं, वो कश्मीर का तो है नहीं, कल को अगर मुंह मारी हो जाती भेजा होगी भाई, मुंह मारी होगी तो बंद कर रखा है, इससे आगे मुंह मारी होगी, मुंह मारी होगी पाकिस्तान नहीं फर्ज किया कल को। अगर कल एक भाई बोल रहा था कहता है की हम ना एक चाइना से ना बातचीत करके ना जो पाकिस्तान वाला वो ना कश्मीर है ना वो ले लेते हैं, अच्छा और चाइना को भी इधर से रास्ता हम दे देंगे। क्या बात है, अच्छी सही है, सोच तो अच्छी है, फिर पूरा डील में दे दो पाकिस्तान को साइड पर करके उन्हें चाहिए क्या यहाँ के सामने किससे मैंने कहा ये बढ़िया था, अपने कंट्री से ही रास्ते दे दो भाई, कश्मीर वाले इलाके से उसको रास्ता मिलेगा। नहीं आप समझ रहे हैं बात को, इससे क्या होगा, एक तो इंडिया को अफगानिस्तान वाला ये सेंट्रल एशियन मिलेगा, मिल जाएगा, चाइना को तो चाहिए रास्ता तो चाइना को तो ये इधर से रास्ता देंगे, तुम भी उतरते रहो हम भी उतरते रहे दोनों। नहीं जब चाइना के पास ऑलरेडी रास्ता है वो उसका इंडिया बंद कर रहा है, ये कि भाई वो अंधे बैठे हुए हैं आगे का रास्ता नहीं देगा, हालात बदलते वक्त नहीं लगता तारक भाई, देख लेना हालात बहुत तेजी से 24। लेकिन आज इंडिया जो भी स्टेप ले रहे हैं दूसरे कंट्री के साथ मिलकर, जिस तरह चाइना ने इंडिया का काउंटर किया उसका रास्ता रोके रखा तो चाइना कश्मीर वाली साइड इंडिया भी आज वैसा वही कर रहा है, इंडिया का हर तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, उसकी जो प्रोडक्ट वो बनाता है ना उसको सीज करने की कोशिश कर रहा है, उसके रस्ते बंद भाई जितनी ज्यादा। अगर इंडिया सारी दुनिया के साथ तजारत करके बीच का रास्ता निकाल के उनको अपने साथ मिला के कुछ सोच रहा है ना, तो चाइना भी मेरा भाई देख लो तो इस तरह का सऊदी अरब तो बहुत सारे उसके साथ लड़ते हैं, सभी के साथ उसने लड़ाई सुलह होगी ना चाइना और सऊदी अरब की, सॉरी ईरान और सऊदी अरब, कितनी बड़ी सुना उसने करवाया दूसरे कंट्री अपनी कंट्री के जो दूसरे तो मुद्दे पर ही है, वो कह रहा है कि चाइना के भी तल्लुकात दुनिया के साथ हैं, अगर इंडिया के हैं तो चाइना के भी हैं, लेकिन जो इंडिया प्लानिंग कर रहा है ना कि अमेरिका के साथ मिलके जहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस है चाइना का वो खत्म, डेट ट्रैप में जान जहाँ पर फंसाता है वहाँ पे उन लोगों की डेवलपमेंट, और ये तो अच्छी बात है, सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर तिजारत खत्म करे, दुनिया में सबसे बड़ी तो अमेरिका में तिजारत है इंडिया चाइना की, वो तो खत्म करे, इंडिया में नहीं है, नहीं इंडिया में तो है लेकिन अमेरिका अपने मुल्क से बॉर्डर पे भेजता चाइना अपने प्रोडक्ट बेचता है, नहीं अमेरिका में सबसे है चाइना की, हमारे घर का बंदा आया हुआ है, हमारे गाँव का एक बंदा है इतनी महंगी, उससे पूछ रहा था मेरी बात सुना, मैंने परसों उससे पूछा सर, वो कह रहा था मैं तकरीबन 26 साल अमेरिका में रह कर रहा हूँ, जितना मैंने देखा सुना है ना सबसे ज्यादा अगर तिजारत कर रहा है तो चाइना अमेरिका में कर रहा है, तो इसमें दोरी राय है ही नहीं, तो फिर उसको तो घर से निकाल देना चाइना को, वहां से तो निकाले जरूरत जहाँ से अपने फायदे हो रहे हैं कौन निकालेगा, जहाँ तो जरूरत पूरी तो पूरी गरीबों को लूट रहे हैं उनको रोकना, इधर आ
आके अमेरिका क्या कर रहे? वो अमेरिका समझदार अपनी दोस्त है, पाकिस्तान पूरी कर रहे, तुम लोग ईरान भी उसका दोस्त है, तुर्की भी उसका दोस्त है, सऊदी अरब भी उसका दोस्त है, सारे अपने अपने मतलब के हैं, कोई किसी का हर कंट्री के साथ मफाद है। ये पाकिस्तान सभी एशिया के खत्ते में बहुत ज्यादा कंट्री तो चाइना की सपोर्ट में है। चलें जी ठीक है, और जो इंडिया के प्लान है भाई साहब बहुत बढ़िया बढ़िया है, अगर कामयाब हो जाए तो, और होनी भी चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। वो अपनी जगह पे ठीक है, चाइना अपनी जगह पे ठीक है। तो जिस तरह ये इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा कर रहे हैं सिक्योर करने के लिए, समंदर पे राज करना है तो भाई साहब चाइना को कंट्रोल करना पड़ेगा बिल्कुल, और इसमें अमेरिका का साथ होगा तो फिर ही हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। रशिया उस वक्त चुप नहीं बैठेगा जब अमेरिका इधर इन्वॉल्व होगा, तो रशिया नहीं बैठेगा। भाई अपनी रूट बताएगा कमेंट सेक्शन में, अगर ये जरूर राय बताएगा, अगर कल को इंडिया और चाइना मिलजुल के पाकिस्तान वाला जो है कश्मीर कैप्चर कर लेते हैं, ये हो गई नहीं, इंडिया को दे देते हैं, पाकिस्तान जो है वो कहते इंडिया कहता है कि जी आप इधर से रास्ता ले लो, आप इधर मर्जी गुजरो, हमें भी गुजरने दो, तो क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे ख्याल में वो कि एक इंडियन भाई हमें सलाह अमेरिका से दूर हो, कोई अपना मशवरा कर सकते, लेकिन ऐसा कभी भी चाइना नहीं करेगा, पाकिस्तान का साथ नहीं। ठीक है भाई, अपनी राय रूप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।